Viewers, we are here at Maharaja Bhog. Maha means greatest, Raja means king, and Bhog means food. जी हाँ, यहाँ आके आप राजाओं जैसे फूड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं. हाईवे 10 और ब्रिटानिया पे मिसेस सागा में महाराजा भोग, राजस्थानी थाली का एक एक्सक्विजिट फ्लेवर और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस. अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान का फ्लेवर कनाडा में मिसेस सागा में बैठ के लें, तो महाराजा भोग पे जरूर आइए. आज हम आपको एक ओवरव्यू कराएंगे महाराजा भोग का, कि यहाँ पे कौन क्या सर्विसेज दे रहा है, और इसके साथ साथ आपको एक फील होगी कि महाराजा भोग है क्या. तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि महाराजा भोग में आज कौन सा डिलाइटफुल भोग है. हम इस महाराजा भोग में पहले भी आ चुके हैं. ये हमें राजस्थानी स्टाइल की जो थाली है बहुत पसंद आई थी. चलिए इसको गिनते हैं कि इसके अंदर कितनी किस्म का फूड जो है वो आएगा. पहले तो प्यालियों की तादाद. ये प्यालियां जो हैं, इन सारी छोटी प्यालियों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आने वाली है, और ये बीच में दरमियान में बड़ी वाली भी है, और फिर ये प्लेट भी है. प्लेट यूजुअली रोटी या चावलों के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें बाजरे की रोटी भी शामिल होती है, जो कि स्पेशलिटी है राजस्थान की. देखिए, ये दो तरह के ड्रिंक्स यहाँ पे मिलेंगे. एक तो छाछ है, जो कि राजस्थान की स्पेशलिटी है, वहाँ का ड्रिंक है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान गर्म इलाका है, तो यहाँ पर ज़्यादा लिक्विड वो मिलता है. अच्छा, आप ये बताइए कि आपको यहाँ का सबसे स्पेशल चीज़ जो बहुत हटके, क्योंकि हर जगह हम जब जाते हैं, एक तो सर्विस है इनकी जो बिल्कुल, और फिर ये जो 8-9 किस्म के डिफरेंट करीज हैं, खास चीज़ जो यहाँ की स्टैम्प्ड हो और कहीं ना हो. पहले मैं उसकी तरफ जाने से पहले कहूँगा कि हम बहुत जल्द जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं पुष्कर जी, उनके साथ बात भी करेंगे, और फिर हम उनके किचन में भी जाएंगे, हम किचन के भी शॉट लेंगे. और मुझे जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तो मुझे अहमदाबाद का एक रेस्टोरेंट याद आया था जिसमें हम गए थे कुछ साल पहले. तो अहमदाबाद के उस रेस्टोरेंट में वो बस खिला खिला के मारने वाली बात थी. वो कह रहे थे खाते चले जाएं, कि जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने समझा ये गुजराती है. अच्छा, ये गुजराती टच भी है. फिर छाछ की आप बात कर रही थी, छाछ पंजाबी भी है. छाछ पूरे भारत की वो एक लस्सी की शक्ल है. तो फिर मुझे किसी ने कहा, हरदेश भाई ने, कि भाई ये प्योर राजस्थानी है. फिर मैं मिला पुष्कर जी से, एक और आप भी थी, तो पुष्कर जी ने कहा कि बस ये सब का मिक्स ही है, राजस्थानी भी है, गुजराती भी है. और अभी हम इनके किचन में भी जाएंगे, इनकी टीम से बातचीत भी करेंगे, फिर हमारे साथ ही सुमित जी भी आएंगे और विशाल जी भी आएंगे. हम शिवम लखनपाल जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका भी शॉट हम लेंगे. तो देखिए, ये हमारा टैग टीवी के फीचर रेस्टोरेंट्स की सीरीज है. हमने इसका नाम ही रखा हुआ है टैग टीवीज फीचर्ड रेस्टोरेंट इन कनाडा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीटीए. और हमने पहले भी हमने कुछ रेस्टोरेंट किए हैं, लेकिन अभी हम एक नया सीज़न शुरू कर रहे हैं, और इस नए सीज़न में हमने महाराजा भोग को चुना है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले भी खाना खा चुके हैं. तो हमने सोचा कि क्यों ना महाराजा भोग से हम नए सीज़न का आगाज़ करें टैग टीवी फीचर रेस्टोरेंट्स का. वी हैव राइट बिसाइड अस द ओनर ऑफ महाराजा भोग, द
person who conceived the idea to bring this cultural vibe to Mississauga. जी हाँ, पुष्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं. अभी इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको ये इतना ब्रिलियंट आइडिया आया कैसे. जी, ये खाना तो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, तो ये आइडिया कोई नया नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि कनाडा में पहली बार हुआ है, तो मैं और मेरे और भी जो पार्टनर्स हैं हम सारे मारवाड़ी हैं, और यही खाना हमारी माँ ने बनाया हमेशा. कहते हम तो 6 भाई थे, तो ऐसी 3-4 सब्जियाँ बनती थी, 2-3 दालें, कढ़ी और 2-3 टाइप की रोटियाँ और हलवे, यही खाते खाते बड़े हुए हैं. तो ये कोई आइडिया नहीं है, ये तो बचपन से हम देखते आए ही हैं. लेकिन ये आर्ट भी है, कुकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है. और एक सादा सा खाना, वो कहते हैं कि एक इसके लिए मैं शायद शेर एक पढ़ना चाहूँगी. अंदाजे बयां गुफ्तगू का रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती. एक मसाले की चेंज या एक भुनाई का तरीका जो है वो खाने को बदल के रख देता है. बदल के रखता है. तो आपने जब ये कंसीव किया कि आप इसको मिसिसागा में लाना चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अहमदाबाद में एक्सपीरियंस किया, तो मुझे स्पॉन्टेनियसली ख्याल उसका आया जब मैं यहाँ आई. तो आपको कैसा फील हुआ कि आप ये यहाँ लाएंगे और ये इतना सक्सेसफुल होगा? तो मैं एक्चुअली में यहाँ पे मेरी साली के पास आया था, और हम लोग तो सिर्फ हॉलीडे के लिए आए थे यहाँ पे, तो महीने भर थे यहाँ पे. तो यहाँ वहाँ जहाँ भी जाते थे तो एक छोटा सा वैक्यूम लगता था कि कहीं पे भी कुछ फ्रेश खाने को नहीं मिल रहा है, या कोई मुख्तलिफ खाना नहीं मिल रहा है. आप कहीं पे भी जाओ तो वही दाल, नान, रोटी और वही सब मिलता था. एंड दैट्स व्हेन आई सेड ओके, एक किल्लत है इस चीज़ की अभी, या एक वैक्यूम है जिसको फिल किया जा सकता है कि ऐसा खाना गरम गरम सर्दियों में कहीं पे भी नहीं मिलता है. सो आई वेंट टू मोर देन 50-100 रेस्टोरेंट्स इन एंड अराउंड स्कारब्रो, मार्कम एंड ऑल द अदर एरियाज, मिसिसागा, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट यस, समथिंग लाइक दिस डेफिनेटली हैज अ वेरी लार्ज ऑडियंस. एंड यस, तभी हमने डिसाइड किया कि भाई हमको खोलना चाहिए ऐसा, और there we are. So when you started this, did you have the idea to have the cultural introduction? Because main ye samajhti hu ke khana hamare taste buds ke sath bahut munsalik hota hai, lekin ye ek bahut bada art bhi hai. Yani it's an expression of your inner artistic culinary art to present the way you want to present, to conceive the idea, to create an ambience, it's very important. तो कनाडा में ये लाना, और ये इसके लिए क्या आपको कोई खास चीज थी जो मोटिवेशनल थी, या के बस फूड से मोहब्बत? फूड से मोहब्बत तो एक चीज है, और दूसरा ये था कि लोगों को फ्रेश फूड पहुंचाना. मैं रेस्टोरेंट्स या कोई ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने अगर 10 में से 9 रेस्टोरेंट्स में खाना खाया है, तो वो उसमें एटलीस्ट 70-80% फ्रोजन था. हमारे यहाँ पे किचन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर कोई फ्रीज़र नहीं है, कोई वॉक इन कूलर्स नहीं है, तो जो भी खाना आप खाते हो वो सारा फ्रेश है. सब्जी कटेगी 8 बजे, तब तक वो ज़िंदा है, और आपको खाने को मिलेगी 11 बजे. अदरवाइज सब्जियां तक लोग इंपोर्ट करते हैं और फ्रोजन कंडीशन में यहाँ ले आते हैं. सो द बिग डिफरेंशिएटर फॉर अस इज दैट आवर फूड इज फ्रेश फूड, एब्सोल्युटली फ्रेश. आटा भी गूंद के नहीं रखते हम लोग 2-3 घंटे से ज्यादा. मुझे आपकी ये बात बहुत खूबसूरत लगी कि आप सब्जियां काटते हैं व्हेन दे आर स्टिल अलाइव. ये बहुत इंडियन कॉन्सेप्ट है. ये बहुत से कम लोगों को समझ आता है, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स. सो आई थिंक द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर फूड स्पीक्स इन ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन यू हैव अडॉप्टेड एंड इन योर टॉक ऑल्सो. तो चलिए अब हम आपके साथ चलेंगे और थोड़ा सा टूर लेंगे कि किस तरह ये सब कुछ हो रहा है. Absolutely, you are most welcome. And आपका क्या बोलते हैं, खैर मकदम बोलते हैं. चलते हैं, सफर जारी रहना चाहिए. आपको हम किचन की सैर कराते हैं, और जैसे बोलते हैं कि पहले आदमी आंखों से खाता है, फिर उसको मुंह से खाता है, इसीलिए आपने बोला कि इसकी खूबसूरती और वगैरह वगैरह. तो ये यहाँ पे रोटी बनती है, कितना सफेद है ये आटा जी. अगर ये आटा पड़ा हुआ है या ये पिछली रात का है, तो ये थोड़ा ब्राउन हो जाता है, लेकिन इसको देखोगे आप एकदम सफेद है ये. और
आप देख सकते हो इसके रंग से देख सकते हो कि उसका कलर कैसा है ये। और ये फूलेगा तभी जब ये आटा फ्रेश होगा, नहीं तो इतनी जल्दी रखते ये फूलेगा नहीं। तो इस चीज की खासियत यही है, आपको इसी से पता चलता है कि ये फ्रेश है आपका खाना। और फिर इसके बाद इसमें लगता है घी, ये हमारे हेड शेफ हैं, ये सारा खाना यही बनाते हैं टोटल। पिछली रात तो उतरी है ये, इसके डंठल भी देखिए अभी तक फ्रेश है। पिछली रात तो उतरी है ये, सब इंडिया से आती है ये, डायरेक्ट वहां से यहाँ लेके आए हैं। सारा खाना जो बन के आता है वो सारा यहाँ पे रखते हैं। When the health inspector came, she said, I have never seen a cleaner kitchen than this in my life in all of Toronto. That's wow. the comment she made, and she said, can I take a picture of this so I can show it to my other people also? That yes, despite you being, a lot of people say we are an Indian restaurant, hamara tel girta hai, ye girta hai, wo girta hai. She said, this is the example that I want to give people that. Yes, it can be very neat and clean. भारत में कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट है आपके? बॉम्बे में है, बॉम्बे में चार है, पुणे में है और दुबई में है, ह्यूस्टन में भी है। यस, कैसा एक्सपीरियंस? दुबई और ह्यूस्टन में तो 12 साल से है, एंड अदरवाइज महाराजा भोग हैज बीन देयर इन बॉम्बे फॉर 20 इयर्स, एंड महाराजा भोग इज नंबर वन थाली प्लेयर इन ऑल ऑफ इंडिया। आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है, आपको कहाँ मजा आता है सबसे ज्यादा? आप लोगों के साथ मजा आता है हमको यहाँ पर। कनाडा है ही ऐसी जगह, मेरा कहना दिल को सबसे ज्यादा है। yes, सबसे ज्यादा मजा यहाँ आता है। आप जैसे दोस्त हैं यहाँ पर, वाकफियत है सभी लोगों से, और एक छोटे से दौर में ही, मतलब एक छोटे से एक छोटा सा वक्त गुजारा मैंने तो यहाँ पे 8-9 महीने, और यहाँ पे बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ये देखिए डिफरेंट तरह के आटे हैं, अलग अलग बिन्स में रखे हुए हैं उनको। या और ये इतनी वैरायटी का होना भी एक कमाल। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पहले कस्टमर आता है वो पानी पूरी खाता है, फिर पानी पूरी खाने के बाद में वो थाली पे जाता है, और ये एक सेलिब्रेशन थाली है, यहाँ पे चार लोग खा सकते हैं। किसी को सेलिब्रेट करनी है अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे, एनी स्पेशल ओकेजन दे वांट टू सेलिब्रेट, तो आप कैटरिंग भी करते हैं? यस, वी डू कैटरिंग बिग वेज, वी डू लॉट ऑफ वेडिंग कैटरिंग, वी डू मील बॉक्सेस, सो वी हैव अ स्पेशल मील बॉक्स विच यू कैन ऑर्डर फ्रॉम हियर। आप 10 लोग हों या 10,000 लोग हों, केटरिंग हम करते हैं, हम किसी को भी मना नहीं करते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई 10 लोगों की क्या केटरिंग करवानी है, तो 10 जनों के लिए भी है कि पूरा परिवार अगर साथ में बैठ के खाना चाहता है और किसी दिन बनाना नहीं चाहता है कि भाई ठीक है किसी का बर्थडे है, बाहर भी जाने की इच्छा नहीं है और घर में बनाने की भी इच्छा नहीं है और ये खाना खाना है, 10 जन है, नो प्रॉब्लम। सो द कस्टमर वॉक्स इन, सबसे पहले वो गोलगप्पों का आनंद लेता है, एंड दिस इज मेड स्लाइटली बॉम्बे स्टाइल because I've always wanted to give something different to people here in Canada. So they are pleasantly surprised to see something like this and say, अरे इसके भी बनते हैं। ये स्वीट का कॉर्नर भी है और थोड़ा सा स्नैकिंग कॉर्नर भी है। यस, सो ऑल दीज स्वीट्स आर मेड इन हाउस हियर।
तो आज हमने ये नोटिस किया कि पूरे 6 बजे चिटकनी उठी और दरवाजा खुला, तो क्या आप 6 बजे खोलते हैं रेस्टोरेंट रोज? यस, सो सुबह का टाइमिंग 12 से 3 है और शाम का 6 से 9 है। 3 बजे ऑल द स्टाफ गोज फॉर अ ब्रेक एंड हमारे महाराज भी ब्रेक पे जाते हैं, फिर वो लोग 4:30 बजे वापस आते हैं, 4:30-5 बजे and then they cook again for the evening. So nothing is cooked in, this is cooked in small batches. Okay. So they don't cook in the morning and just keep it for the whole day. Okay. They will cook in the evening again. Its name is Dal Dhokli. It's a Gujarati delicacy. Thank you. This is Dal Dhokli. It's a Gujarati delicacy. And वो रोटी है और मीठी दाल है. It can be had on its own. And yes. So उसके अंदर रोटी है. हाँ, वो रोटी है. बेसन की रोटी है, समझिए. और इस ठंड के मौसम में गरम गरम. Viewers, fresh food. जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो आपको खुद ही उसका फ्लेवर बता देता है कि ये कितना डिफरेंट है. वो फूड जो थोड़ी देर के लिए पड़ा होता है उसके फ्लेवर में फ़र्क होता है. तो जब आप यहाँ पे आके ट्राई करते हैं फूड तो आपको खुद ब खुद एहसास होता है कि जो बात पुष्कर भाई कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है. इनकी हर चीज़, फ्रेश इन्ग्रीडियंट और सर्विस और हर चीज़ तुरंत और बहुत ही फ्रेश. और ये जो चटनियां हैं ये तो रायता लिख दिख रहा है, ये रायता है. आप इनके चटनियों के रंग भी देखोगे ना, ये काले नहीं पड़ेंगे. आप इसको 1 घंटा यहाँ पे रखिए, ये काला नहीं पड़ेगा. ओके, और ये सब्जी को रख लो, ये काले नहीं पड़ेगी. और ये किस चीज का है, हरे रंग का? या सिलेंट्रो, सिलेंट्रो का. और ये इमली है, ये इमली का. यस, गुड. इमली का भी कलर देखिए आप, ये काला नहीं है, ये इमली का ही कलर है. तो ये फ्रेश बना हुआ है सारा. हमारे मसाले भी हम लोग फ्रेश कुटवा के मंगाते हैं इंडिया से. थैंक यू. ये ढोकला, साबूदाना बड़ा, एक ढोकला हमको भी दे दीजिए और ग्रीन चटनी. ढोकले के साथ ग्रीन चटनी खाते हैं जी. And very soon we are going to start our breakfast also here. Oh really? So that will be from 8 to 8 to 10:30. And we will announce that very soon. Yeah. So breakfast mein kya hoga? Breakfast mein upma, poha, dosa, idli, paratha, dahi, jalebi, rabdi, malpua. Yes. Main वो तो रखना ही है. मतलब लाहौर का ऑथेंटिक नाश्ता जो है उसकी पाई के साथ का यस, तो वो तो रखेंगे ही रखेंगे. ये क्या चीज है? ये राजमा है. ठीक है. और ये पंजाबियों का भी ख्याल रखना सीखा सर. पंजाबी तो इंडिया की जान देना चाहिए. बिल्कुल. आलू मेथी. अच्छा. ये क्या चीज है जी? भाई अच्छा, वीगन आइटम्स कितनी होती हैं आपके पास? वीगन हर चीज में अवेलेबल है. आप जो बोलोगे उसका वीगन पर्याय भी है हमारे पास. अच्छा. सो इफ समबडी कम्स एंड सेज आई वांट वीगन, वी कैन डिश आउट एनीथिंग वीगन टू. ओके ओके, नोटिस दैट व्यूअर्स. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वीगन इसको कितनी बड़ी डील है. एंड ग्लूटेन, ग्लूटेन फ्री आल्सो. और वो लोग, ये खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो वीगन है, क्योंकि वीगन अपॉर्चुनिटीज हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है. क्योंकि बहुत सी दुनिया को पता नहीं कि इंडिया में वीगनिज्म सदियों से चला आ रहा है. कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खाया ही वीगन खाना जाता है और यहाँ पे भी आपको इसकी अवेलेबल है. Oh, 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 oh
रोटी पूरी और चिल्ला। अच्छा, तो महाराजा भोग में हमने डिनर किया। आई होप आपने हमारा खूबसूरत खाने का यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा हमारे साथ, बल्कि आप इसको प्रैक्टिकली करने के लिए यहाँ तशरीफ लाइए। महाराजा भोग, मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा।